तो अभी पहुंच चुके हैं हम सब्जी वाले की दुकान में। देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। मैंने कहा सामान 2 महीने तक चलना चाहिए, अभी हालात ऐसे हैं तब जाके गुजारा चलेगा। हे गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग जीएस मेहरा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि सुबह के लगभग बज चुके हैं 10 और आज चल रही है सुबह सुबह एकदम मस्त हवा। आसमान में लगे हुए हैं हल्के हल्के बादल और कुछ इस तरह से है आज का मौसम। देख सकते हैं हवा चल रही है काफ़ी तेज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने मास्क पहन रखा है और मास्क भी पहना है डबल, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ मार्केट। घर का सामान हो चुका है ख़त्म और पूरे महीने का जो सामान होता है किराना वो मैं इकट्ठे ही ले आता हूँ। तो अभी हम जाएंगे चक्की मोड़ मार्केट क्योंकि दोपहर बाद तो मार्केट बंद हो जाती है। प्रियांशु दे रहा है अभी कोको को रोटी। नहीं खा रहा है? कितने नखरे दिखा रहा है फिर? खा, खड़ा हो। नहीं खाएगा, अभी नहीं खाएगा, रख दे। नहीं खाता है, शाम को खाएगा, रख दे अभी। अरे यहाँ मत रख, रोटी मत रख, ऐसे ऐसे नहीं, अंदर ले जाओ इज्जत से उसको। वो भी ले जा, अभी तो खा रहा हो, अभी जलन के मारे खा रहा हो, ले जा रहे हैं करके। खड़ा नहीं हो रहा, इतना आलसी कुत्ता हो गया है। वहां पर मत छोड़ो रोटी, ऐसे मत रख नीचे यार, अनाज को ऐसे नहीं रखते हैं, तमीज से दे उसको। इतना ही खाएगा? नहीं खाएगा वो, बड़े नखरे दिखा रहा है। देख अब उठ गया, जब तू ले जाने लगा ना तब उठ रहा है। तो अभी जैसे ही रोटी गाय को देने के लिए ले जा रहा प्रियांशु तो वो जलन के मारे उठ के खाने लग गया है। इतना जलनखोर कुत्ता है ये, दे दे इसको पूरा दे दे। जैसा कि कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है तो घर से निकलने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन ज़रूरी हो तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि खाने पीने का सामान बहुत ज़रूरी है, उसी से दिनचर्या चलती है, उसी से सारी कुछ जुड़ा होता है। तो इसीलिए थोड़ा रिस्क लेकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। मास्क लगा कर जा रहा हूँ, वो भी डबल। अरे मेरा पर्स इसमें कैसे है? तब अरे यार तब से यहीं है, अंदर रख दे, अभी मम्मी को दे देना। पैसे वैसे जेब में डाल के ले जा रहा हूँ, वो क्या खाली। अरे पर्स रखने की जगह नहीं है जेब में, लोअर में इतना नहीं आता, खाली भारी भारी दिखता है। अंदर रख दो इसको। और मौसम कुछ सुहाना हो रहा है आज क्योंकि बादल लगे हुए हैं आसमान में, बारिश तो आने रही है। रोज मौसम बनता है और बारिश आती नहीं है क्योंकि बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है। बारिश आ जाती तो थोड़ा धूल धक्कड़ वगैरह वगैरह सब कम हो जाती है क्योंकि जैसे ही हवा चलती काफ़ी धूल धक्कड़ घरों में आके इकट्ठा हो जाती है, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। तो सभी को बारिश का इंतजार है बेसब्री से, देखते हैं कब तक आती है। अरे काफ़ी समय हो गया, पर्चा बनाते बनाते कहाँ चले गए? तो आ चुका है पर्चा बनकर, ये देख सकते हैं पूरी बड़ी सी लिस्ट आ चुकी है एक, इसमें बहुत सारा सामान लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम फिलहाल फटाफट क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी। और डबल मास्क पहन, सैनिटाइजर की बोतल हाथ में रख आराम से। प्रियांशु भी साथ में आ रहा है तो वो सिंगल मास्क पहन के आ रहा है, तो मैंने बोला उसको डबल मास्क पहन के आ और सैनिटाइजर की बोतल भी ले गया साथ में, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जो हमारे हाथ में वो तो हम कर ही सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाला ही जाना क्या है क्या नहीं। तो ये प्रियांशु ने पहन लिया है डबल मास्क और सैनिटाइजर की बोतल लिया है साथ में, जेब में रख ले इसको। वैसे तू घर ही में रहता सही रहता, खाली आ रहा मेरे साथ। तो ये काफ़ी दिनों से घर ही घर में है तो बोर हो गया है भी घर में, तो इसीलिए ये भी जिद कर रहा है साथ में आने की क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, इतना चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है।
हम पहुंच चुके हैं चक्की मोड़ दुकान पे और लाला जी को दे दी है पर्ची, तो फटाफट सामान ले रहे हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी जाएंगे हम घर। देख सकते हैं पूरा मार्केट लगभग बंद है, सारा शटर गिरे हुए हैं, बस परचून की दुकानें हैं और फल फ्रूट की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, यही खुले हुए हैं, सुनसानी छाई हुई है एकदम। ले लिया हमने सामान, भर गया झोला, तो अब हम जा रहे हैं सब्जी वाले की दुकान पे। थैला भरना चाहिए, थैला भर चुका है पूरा। चल भाई उठा उठा उठा, तो प्रियांशु उठाएगा पीछे बैठेगा। तो अभी पहुंच चुके हैं हम सब्जी वाले की दुकान में, देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। अरे भाई खीरा है, नींबू नींबू, हाँ नींबू है, हाँ तू घबरा मत उस पे। हाँ हाँ तो ये कट्टू में भरा पड़ा है खीरा। प्रियांशु आ जा, सब खीरे हैं, तो कट्टू से निकाले नहीं है तुमने, क्या बात। अच्छा लूट मचिए, मतलब प्रियांशु पन्नी लेके आ भैया से। प्रियांशु अरे कहाँ भाग गया लड़का, इसको वहाँ रख, उसके वहाँ रख दे। ये भिंडी वाले भैया आए हैं और ताज़ी भिंडी लेके आए हैं, तो भिंडी इनके वहाँ ख़त्म है, लूट मची हुई है एकदम। तो एक किलो मैंने ले लिया टाइम से इनके वहाँ से, मेरा हो गया अंकल एक किलो। हाँ मेरा पहले भर दियो यार, ये तो साफ हो गए तुम्हारे, कितनी देर हो गए यहाँ पर बैठे हुए। अरे 5 मिनट भाई साहब, गजब गजब, चलो थोड़ी देर में दुकानें बंद वाली होने वाली, तो लोगों को सब सामान लेने की जल्दी है। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा भीड़ भाड़ दिख रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंस है, बराबर सबने मास्क पहने हुए हैं, तो थोड़ी सी भगदड़ मची हुई है। फटाफट लगभग टाइम हो गया है 11:30-12 बजे दुकानें बंद हो जाएगी, तो सभी को सामान लेने की हफड़ा तफड़ी है। जो भी सामान थी ज़रूरत की वो सब ले लिया है, तो अब हम जा रहे फटाफट घर, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ते जा रही है। हम पहुंच चुके हैं घर और जल्दी जल्दी में लिया सामान, क्योंकि टाइम होने ही वाला था, तो फिलहाल तो ले आए सामान। तो पहले जो भी साग सब्जी है इसको हम धोकर ही अंदर ले जाएंगे और हाथ को करते हैं सैनिटाइज फटाफट। हाँ फटाफट लगा सैनिटाइजर, बढ़िया से लगा, बढ़िया से, हाँ दोनों तरफ लगा, दोनों तरफ। तो प्रियांशु अभी सैनिटाइजर लगा रहा हाथ में, तो अब मैं भी लगाता हूँ। वो तेरे मास्क उड़ गए पूरे। तो मैंने भी लगा लिया है सैनिटाइजर, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये जो सब्जी है उसको हम धोकर ही अंदर ले जाएंगे और होगी खीरा होगा। अरे इसमें 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 गाड़ी की डिग्गी में, गाड़ी की डिग्गी में है खीरा वीरा, खीरा इसमें डाल लिया था हमने। खीरा क्या रेट दे रहा था यहाँ है, ये भी 2-2.5 किलो से ऊपर ही है। ये खीरा है, ये है नींबू, नींबू दिया उसने 40 रुपये के पाव। तो ये कुछ सब्जियां लाया था जो धोकर ले जाएंगे। ए इतनी जल्दी नहीं, अभी अंदर ले जा पूरा झोला, मन निकाल अभी कुछ भी सामान नहीं गिरेंगे, अंदर ले जा उठाकर। तो ये सब्जी गए धोने मैडम नल पर और सामान ले जाते हैं अंदर फटाफट। तो ले पहले फ़ोन वोन पर हाथ मत लगा ऐसे, कहीं से भी आने से पहले सैनिटाइजर करके हाथ धोना है। हाँ बढ़िया से हाथ धो। अभी आ चुका हूँ मैं अंदर, गर्मी बहुत हो गई है, बाज़ार में बहुत ही भगदड़ मची हुई है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा लॉकडाउन लगेगा, इसी चक्कर में सब फटाफट जो भी सामान मिल रहा है वो ले जा रहे हैं, एकदम छीना झपटी मची हुई थी। तो मैंने भी फटाफट ले लिया और आ चुके हैं हम घर। अब सैनिटाइजर कर दिया, फटाफट हाथ वाथ धोता हूँ, प्यास भी लग चुकी है, उसके बाद पीता हूँ पानी। सॉस है, अरे बड़ा वाला मिला ही नहीं सॉस, यही सॉस मिला सही है ये, वो पूरा खुलने से तो ठीक है, ये चलेंगे तुम पूरा खोल के उसको पिचका पिचका के निकालते हो। अरे ये है छोटे साइज का है, वो बड़े वाले मिले ही नहीं वहाँ, वहाँ लूट वार मची हुई है, वही सॉस केचप ही एक ही बात है। निकाल जो अलग है इनको अलग रख, देख सामान पर्ची में मिला कुछ कम तो नहीं है। अरे कोई बात नहीं, क्यों पैसे दे रखे हैं।
ठीक है, ये निकालना है पहले, ये तो निकाल सामान। ठीक है भीम, अरे इतना बिखरा क्यों रहा है, एक जगह रख दे। पूरा एक महीने का सामान 2 महीने तक चलना चाहिए, अभी हालात ऐसे हैं तब जाके गुजारा चलेगा। तब अगर तुम 2 महीने तक चलाना है करके दिल में सोचोगी तब जाके 1 महीना चलेगा, अगर सोचोगी 1 महीना चलाना है तो वो 15 दिन ही चलेगा। और ये कुछ सब्जियां भी लेके आया, ये ताज़ी ताज़ी वहाँ पर भिंडी मिल रही थी, और ये खीरे लेके आया, और ये लेके आया नींबू, जो बहुत ज़रूरी है नींबू पानी इस समय। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।